हेलो एवरीवन टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर सेवन ऑफ दिस सीरीज़ दैट इज़ रेडियो कम्युनिकेशन सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक एएसके एफएसके एंड पीएसके के ओके तो ये क्या शिफ्ट किंग के कुछ टाइप्स है ये हम आगे डिस्कस करेंगे तब मैं डिटेल में बताऊँगा देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये सब है मतलब मॉड्यूलेशन के टाइप ये सब वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन ओके नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट सो ए ए एस के एफ एस के पी एस के ओके okay? ये तीनों टाइप्स आज देखने वाले हम लोग तो ये एक्चुअल में होता क्या है देखो जो एनालॉग कैरियर है ओके okay? जो मॉड्यूलेटेड होता है तो उसे हम क्या करेंगे डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे ओके सो व्हेन एनालॉग कैरियर इज़ मॉड्यूलेटेड बाय डिजिटल सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल की वजह से उसको मॉड्यूलेट किया जाता है कैरियर को एनालॉग कैरियर को एंड एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूशन फेज मॉड्यूलेशन आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग मतलब जो डिजिटल वेव जो हमारी आ रही है ओके उसके हिसाब से हम एनोलॉग कैरियर को चेंज करेंगे ओके तो एनोलॉग कैरियर का कभी एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग बोलेंगे और या फिर फेज चेंज हो जाएगी तो हम बोलेंगे फेज शिफ्ट किंग ओके इस तरह से ये नाम इसके पड़े हुए हैं एस के एफ एस के एंड पी एस के ओके मतलब इसमें एक्चुअली होता क्या है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है ओके okay? हमारी जो कैरियर वेव है वो एनालॉग है और जो इनपुट आएगा वो डिजिटल ओके okay? तो डिजिटल से एनालॉग को कैसे हम करते हैं वो ये हम देखेंगे इसमें ओके नाउ फर्स्ट देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग दैट इज़ एस के ओके तो इसका मीनिंग देखो क्या है तो इसमें एक्चुअली होना क्या है? वाला है देखो इन एम्पलीटूड शिफ्ट किंग द एम्पलीटूड ऑफ एन एनलॉग कैरियर चेंज बाय द डिजिटल सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल जैसे चेंज होगा वैसे इसका एम्पीट्यूट चेंज होगा तो डिजिटल में हमें मालूम है दो तरह के लेवल्स होते हैं डिजिटल वेव मीन्स इस तरह का ओके okay. ये देखो इस तरह से इसमें दो ही लेवल्स है कौन से कौन से लेवल्स है ये नीचे वाला जो लेवल है वो जीरो है ऊपर वाला जो लेवल है वो वन है ओके okay. दो ही लेवल्स है मतलब हाई लो ओके तो क्या है देखो द डिजिटल सिग्नल हैज ओनली टू स्टेट्स मतलब दो स्टेट्स है वन करस्पॉन्डिंग टू ज़ीरो है एंड अदर करस्पॉन्डिंग टू वन ओके द मोडिजिटल कैरियर हैज़ ओनली टू डिस्टिंग एम्पलीट्यूड्स ओके तो उसी हिसाब से हमें भी करना है कि कैरियर जो है कैरियर मतलब साइन वेव जैसा ऐसा ऐसे वाला जो है ये सब कैरियर है तो हमें क्या करना है उसको भी वैसे ही तरह के दो तरह के एम्पलीट्यूड देने यहाँ पे ओके okay. मतलब लो के लिए एक तरह का एम्पलीट्यूड रहेगा और हाई के लिए एक तरह का एम्पलीट्यूड रहेगा ओके वन रिप्रेजेंटेड द डिजिटल जीरो मतलब एक जीरो ही रिप्रेजेंट करेगा एंड अदर रिप्रेजेंटिंग दैट डिजिटल वन ओके एक कैरियर के भी एम्पलीट्यूड हमें फ़िक्स करने पड़ेंगे दिस इज शो न इन द डायग्राम डायग्राम में शो किया है ओके तो देखो कैसा है अभी देखो यहाँ पे हमारा है कैरियर अपना जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल देखो इस तरह से ये जो दिखाया गया है वो डिजिटल सिग्नल है पहले डिजिटल दिखाता हूँ ओके जी तो डिजिटल में देखो पहला लो है लो के लिए एक फ्रिक्वेंसी है पर्टिकुलर पहली देखो इधर तक ही है ओके इसकी देखो एम्पलीट्यूड की हाइट कितना है इतना ही हाइट है देखो नीचे से भी कम है यहाँ से भी कम है मतलब लो हो गई ओके अभी हाई वाली जो है अभी यहाँ से देखो हाई हो गया हाई होते ही इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ गया देखो ये दोनों से एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना मतलब वो हाई रिपेन कर रहा है वापस जैसे ही लो हो गया तो इधर का भी एम्पलीट्यूड लो हो गया ओके वैसे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इसलिए हम इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की ओके क्योंकि यहाँ पे कैरियर का क्या चेंज कर रहा है एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है इतना मालूम है आपको ना यहाँ पे जो जा रहा है वो टाइम रहता है ओके okay? और ऊपर ऊपर जो है वो वोल्टेज या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको ठीक है ना वेव्स में ये चीज़ रहती है आपने सी आर ओ यूज़ किया है तो आपको वो मालूम रहेगा <coughs> अभी देखो जैसा एम्प्लीटूड हुआ सेम अभी क्या करना है हमें फ्रीक्वेंसी का भी वैसे ही होगा ओके okay? तो देखो कैसा है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में भी वैसे ही चीज़ है इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एनालॉग कैरियर इज चेंज बाय द डिजिटल सिग्नल मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होती है डिजिटल के हिसाब से तो डिजिटल का हमें पता है जीरो और वन दो ही लेवल रहता है देखो यहाँ पे जीरो है जैसे ही जीरो है तो वहाँ पर क्या होगा लो लेवल है लो लेवल है मीनस वहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो यहाँ पे देखो ये ऐसा दूर दूर है दूर दूर है मतलब फ्रिक्वेंसी कम है फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल डेफिनेशन आपको मालूम है ना फ्रिक्वेंसी मीन्स साइकिल्स पर सेकंड मतलब अगर मैं दो वेव्स अगर बना दूँ ये देखो ये एक वेव है पूरा इसका एक साइकिल पूरा इधर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ओके okay, ये और दूसरा एक वेव है वो ऐसा है देखो ये उतने ही पार्ट में देखो अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ ठीक है अभी देखो क्या हुआ ये डिस्टेंस सेम है दोनों का भी यहाँ से यहाँ ओके डिस्टेंस सेम है दोनों का ओके okay, पर प्रॉब्लम क्या है देखो इसका सिर्फ एक साइकिल यहाँ पे हो रहा है इसके देखो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव साइकिल्स हो जा रहे हैं यहाँ पे इतने एरिया में तो मतलब क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी ज़्यादा है जिसके ज़्यादा साइकिल्स हो रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इसके कम साइकिल्स हो रहे हैं मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कम है ओके सेम थिंग यहाँ पे होगी देखो ये दूर दूर जैसे है मतलब क्या है इसका फ्रिक्वेंसी कम है ये जितना पास पास में है ये ओके ना वेव्स तो वो बोलेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वही चीज़ है यहाँ पर तो देखो लो लो जो सिग्नल है अगर डिजिटल का यहाँ पर लो सिग्नल है ना डिजिटल का तो यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी भी लो है ओके उसी तरह से अगर हाई सिग्नल है यहाँ पे देखो जीरो से वन तक गया तो तुरंत यहाँ पे एकदम क्लोज हो गई क्लोज हो गई मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई इतने एरिया में उसी तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम दिख रही है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है ओके ना इस तरह से डिजिटल के साथ ये हमारी जो एनालॉग कैरियर वेव थी वो एक्चुअली उसके साथ चेंज हो रही है ओके तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है देखो तो डिजिटल सिग्नल हैज़ ओनली टू स्टेट्स जैसे जीरो और वन हमने बोला था वैसे ही कंसिक्यूटेडली जो मॉड्युलेटेड सिग्नल है नीड्स ओनली टू फ्रीक्वेंसीज तो वहाँ पर दो तरह की फ्रीक्वेंसी होगी एक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी जीरो को एक रिप्रेजेंट करेगी वन को तो जो लो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली वन को रिप्रेजेंट कर रही है ओके दिस इज शोन इन द डायग्राम द स्मॉलर फ्रीक्वेंसी विद द क्रेस्ट फर्दर अपार्ट रिप्रेजेंट द बाइनरी जीरो एंड द लार्जर फ्रीक्वेंसी विथ द क्रेस्ट क्लोज टुगेदर रिप्रेजेंट द बाइनरी वन ओके तो वही है क्रेस्ट मतलब ये ऊपर का पार्ट मैंने बताया था और ट्रफ मतलब नीचे का रहता है ओके okay? तो जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है क्रेस्ट की ओके okay? <coughs> तो क्या होगा फ्लॉलर फ्रिक्वेंसी रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा क्रेस्ट वो वहाँ पर दूर दूर जाएंगे ओके और वो एक्चुअली जीरो का रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जहाँ पे लार्जर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वहाँ पे जो क्रेस्ट रहेंगे ना वो क्लोज़ क्लोज आ जाएंगे क्लोज आने से क्या हो जाएगा वहाँ पे वहाँ पे वो बाइनरी वन रिप्रेजेंट करेगा ओके मतलब हाई सिग्नल रिप्रेजेंट करें तो यही है फ्रीकवेंसी शिफ्टकिंग का नेक्स्ट देखते हैं दिख देखो इसी में और चीज़ है कि सी सी आई टी टी ओके ये एक स्टैंडर्ड है हैज़ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay, तो इसने एक ये स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को एक्चुअली एस्टैब्लिश किया हुआ है एफ एस के लिए कि कौन से कौन से फ्रिक्वेंसीज हम एक्चुअली यूज़ कर सकते कि जिससे हमें रिजल्ट बेटर मिलेगा मॉड्यूलेटेड वे वो अच्छे से मिलेगी सिग्नल ओवर अ टेलीफोन लाइन वेयर मॉडर्म्स आर यूज फॉर मॉड्यूशन एंड डी मॉड्यूशन ओके मतलब टेलीफोन लाइन में जो मॉडल मॉडर्म्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए मॉड्यूशन और डी मॉड्यूलेशन के लिए तो ये टेबल में शो कर दिया है ओके द टू सेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलाउड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन फुल डुप्लेक्स कॉम्परेशन के लिए ये एक्चुअली चलेगी मतलब फुल डुप्लेक्स में हमने स्टडी किया था ये कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है वहाँ पे, ओके और द टेलीफोन लोकल लूप एंड फ्रीक्वेंसीज बिटवीन थ्री हंड्रेड हर्ट्स एंड थ्री फोर हर्ट्स ओके ये फ्रिक्वेंसीज के बीच में टेलीफोन लोकल का एक्चुअली वहाँ पर काम होता है ओके okay? तो देखो बीट पैटर्न कैसे रहेगा अगर जीरो है जीरो है तो हमें फ्रीक्वेंसी एक डिरेक्शन में ऐसा होना चाहिए नाइन एटी और वन वन एट जीरो और दूसरे डिरेक्शन में अगर ट्रांसमिशन अदर डिक्शन अगर हम देख रहे हैं तो वो टाइम पे वन सिक्स फाइव जीरो और वन एट फाइव जीरो इस तरह से रहना चाहिए ओके बट एफ एस के का एक प्रॉब्लम भी है एफ एस के इज़ यूज इन मॉडर्न विद स्पीड फ्रॉम थ्री हंड्रेड टू वन टू जीरो जीरो बी पी एस मतलब बी पी एस मतलब बीट्स पर सेकंड मतलब इतना उसका स्पीड होना चाहिए तभी वो काम करेगा

तो देखो और एक ऑप्शन है फीज फेज शिफ्ट किंग ओके तो ये प्रोसेस क्या है वो देखते हैं अभी अभी एप्लीट्यूड शिफ्ट किंग देखा फ्रिक्वेंसी देखा अभी फ़ेज पे आ जाए ओके okay? इसमें फ़ेज चेंज होगा तो फेज़ एक्चुअल चीज़ क्या होती है वो पहले यहाँ पर समझ लो ओके okay? तो अगर मेरे पास दो तरह की वेव है देखो ये एक वेव है और दूसरा एक वेव मैं बनाता हूँ ऐसा उल्टा बना लेता तो ठीक है ऐसा और तीसरा और एक वेव बनाता हूँ मैं ऐसा तो नहीं दूसरा मैं इसके जैसा ऊपर वाले जैसा सेम बनाता हूँ ठीक है तो ये तीन तरह की वेव है देखो ये फर्स्ट वेव है तो अगर फर्स्ट को मैं ऐसे नंबरिंग दे दूँ नेमिंग जैसा ठीक है तो यहाँ से ये निकला हुआ है यहाँ पे जाके ऐसा पूरा कंप्लीट है ओके सेकंड देखो क्या उल्टा उल्टा हो रहा है ऐसा पूरा मतलब उल्टा हो रहा है पूरा कंप्लीट उल्टा फर्स्ट वाले के ऊपर कम्प्लीट उल्टा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये इनफेज नहीं है और थर्ड वाला और फर्स्ट वाला दोनों सेम है सेम होने की वजह से वो क्या है इन फेज है मतलब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है मतलब अगर कोई वेव ऐसा है और बस दूसरा वाला वेव उसको ऐसा ऐसा अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब क्या ये दोनों फेज सेम नहीं है क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है ओके इसलिए हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट उसका क्रेस ट्रफ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे वो दोनों फेज उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और फेस डिफरेंस मतलब कैसा रहता है कि अगर दो वेव्स हम आजू बाजू में ऐसा बना दें तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ओके इसी को एक्चुअली में बोलते हैं फेस डिफरेंस ओके ये रहता है फेस डिफरेंस तो आप देखो अभी क्या हुआ जीरो और वन तो हाई लेवल्स तो पता चल रही है जीरो और वन देखो इसी तरह से तो अभी क्या कर रहे हैं देखो जहाँ पे जीरो लेवल है वहाँ पे तो कुछ फेज चेंज होने की जरूरत नहीं है ओके जीरो में कुछ स्टार्टिंग में तो कोई फेज चेंज नहीं है ओके तो यहाँ पे कुछ फेज नहीं आया ये डायरेक्ट आया अभी नेक्स्ट जो गया जीरो से एकदम से वन में गया तो यहाँ पे फेज चेंज होगा फेज चेंज कितने का होना चाहिए यहाँ पे वन का फेज चेंज ओके तो जैसे ही वन का फेज चेंज नहीं हो यहाँ पे जो फेज चेंज होगा वो 180 एटी हाँ वन का फेज चेंज होगा तो फे वन का फेज चेंज मतलब क्या है पूरा वो उल्टा होना चाहिए तो इसलिए क्या किया यहाँ पे देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया था ना इसने तो जैसे ही वन एटी का फेज चेंज मतलब यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर देगा वो स्टार्टिंग कहाँ पे होगा इसका नीचे से स्टार्ट होगा नीचे से स्टार्ट किया ओके अभी देखो ये वापस फेज चेंज हो रहा है फेज कितना चेंज अभी कितना होगा वन से वापस जीरो जा रहा है वन से जीरो जा, जा रहा है मतलब अभी वन एटी का तो हमने फेज चेंज किया वापस नाइन्टी का फेज चेंज होगा जैसे ही वो जीरो पे जाएगा नाइन्टी का फेज चेंज नाइन्टी का चेंज चेंज मतलब वन एटी प्लस नाइन्टी मतलब टू सेवेंटी का टू सेवेंटी का मतलब क्या हो जाएगा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ओके okay, ऊपर से तो ऊपर पूरा जाएगा तो वन एटी हो जाएगा पर टू सेवेंटी करेंगे तो या बीच में से ऐसा जाएगा वो ओके okay. उसी तरह से फिर वापस नेक्स्ट क्या होगा टू सेवेंटी से लेके वन एटी तक अभी देखो यहाँ तक आ गया वापस वन एटी का फेज चेंज होने वाला है अभी क्योंकि जीरो से वन जा रहा है ना तो वन एटी का फेज चेंज मतलब ऊपर से ऐसा वापस नीचे जाके ये ऐसा करेगा <coughs> इस तरह से वन एटी किस लिए यहाँ से उसने स्टार्ट किया था ना यहाँ का वन एटी मतलब ऊपर वन एटी फेज डिफरेंस मतलब फेज चेंज मतलब आप समझ लो डायरेक्ट उल्टा ही हो जाता है पूरा क्योंकि एंगल कितना बनेगा जीरो से वन एटी ना ओके पूरा एंगल है जो हमारा पूरा एंगल जो रहता है ओके ऐसा ओके तो ये जीरो रहेगा यहाँ से नाइन्टी नाइन्टी से वन एटी ठीक तो वन एटी कर दिया मतलब वो डायरेक्ट उल्टा हो गया पूरा ऐसा ठीक तो वही चीज़ हो जाएगी तो वन एटी मतलब इस तरह से वेव बन जाएगी पूरा उल्टा ठीक है तो देखो क्या इन फेज शिफ्ट किंग द फेजेस ऑफ एन एनालॉग कैरियर इज चेंज बाय द डिजिटल सिग्नल द डिजिटल सिग्नल हैज़ ओनली टू स्टेट्स हमने देखा है दो स्टेट्स हैं जीरो और वन इसलिए हमें क्या करें मॉड्यूटल सिग्नल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा उसके फेजेस टू दो अलग टाइप के फेजेस को हमें करने हुए वन रिप्रेजेंटिंग डिजिटल जीरो एंड अदर रिप्रेजेंटिंग वन ओके अस डिजिटल जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फेज चेंज ऑफ नाइन्टी डिग्री जहाँ पे जीरो है वहाँ पे नाइन्टी डिग्री का फेज चेंज होगा और जहाँ पे वन है डिजिटल वन वहाँ पे सिर्फ वन एटी डिग्री का फ्रेज चेंज होगा ओके तो इसलिए हमें शो किया गया है ओके डायग्राम में इच बाइनरी बिट इज रिप्रेजेंटेड बाई टू कंप्लीट वेव्स ओके द स्टार्टिंग फेज ऑफ ईच ग्रुप ऑफ टू वेव्स रिप्रेजेंटिंग अ बीट इज शोन इन बिलो ओके तो कैसे कैसे वो नीचे शो किया गया है ओके तो देखो जैसे ही जीरो होगा तो स्टार्टिंग फेज के लिए जीरो ही रहेगा और इसलिए फेज चेंज यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा और जैसे ही पहले वन है तो अभी क्या होगा वन एटी का उसमें ऐड हो गया ओके फेज चेंज तो इसलिए फेज चेंज वन एटी है अभी क्या होगा और टू सेवेंटी ओके जीरो है जीरो है मतलब नाइन्टी उसमें ऐड करना पड़ेगा तो वन एटी प्लस नाइन्टी टू सेवेंटी हो जाएगा ओके okay, मतलब फेज चेंज यहाँ पे नाइन्टी का है देन अगेन वन है वन है मतलब वहाँ पे वन एटी का फेज चेंज होगा देखो वन एटी का फेज चेंज मतलब मतलब क्या करना पड़ेगा टू सेवेंटी प्लस वन एटी ओके उसमें ऐड हो जाएगा इस तरह से वो कितना बनेगा वहाँ पर फोर फिफ्टी ओके तो फोर फिफ्टी जैसे ही बन जाएगा तो फोर फिफ्टी मतलब इज़ नियरली अबाउट नाइन्टी डिग्री ओके नाइन्टी के जैसे ही रहेगा तो मतलब नाइन्टी के बाद वापस वन एटी नाइ वो तो इस तरह से साइकिल बनेगा नाइन एटी नाइन्टी वन एटी टू सेवेंटी अगर नाइन्टी वन एटी टू सेवेंटी ऐसा वो साइकिल बनेगा ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं अभी देखो हमारे यहाँ मॉड्यूलेशन के कुछ टाइप्स है ओके एक्चुअली okay? डिजिटल मॉड्यूलेशन वाला ओके okay. मतलब एनालॉग वेव को हम डिजिटली कैसे उसको एक्चुअली मॉडिलेट करते वो दिखाया गया सो ट्रांसमिशन लाइन एंड अदर नॉइज कैन बी इफेक्टिवली रिमूव बाय यूजिंग डिजिटल ट्रांसमिशन हम डिजिटल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, तो हम नॉइज बहुत कम कर सकते हैं उसमें इन डिजिटल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन वोल्टेज इन स्टार्टिंग पोजिशन एंड दी ड्यूरेशन ऑफ ए डिजिटल पल्स आर एग्रीड अपॉन इन एडवांस सो इट इज़ पॉसिबल टू एग्जैक्टली द रीजनरेट द सिग्नल एट रिसीवर ओके रिसीवर के पास जो सिग्नल है वो रिसीव करना हमें ईजिल हो जाएगा रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ नॉइस नॉइस कम कर सकते हैं एट्यूनसन कम हो सकता है डिस्ट्रॉशन कम हो सकता है डिस्ट्रॉशन हमने देखा था ना कि वेव का शेप चेंज हो जाना है उसी को डिस्ट्रॉक्शन बोलते हैं एट्यूनिएशन मतलब उसको जो रोकता है उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है वो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन टेक्सप्लेस ओवर डिजिटल लाइन्स फॉर दिस रीज़न ओके इसलिए डिजिटल लाइन हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो इसी वजह से द सब्सक्राइबर लूप फ्राम द टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट टू द लोकल एक्सचेंज मतलब जो टेलीफोन जो हम सब्सक्राइबर यूज करते हैं मतलब लैंडलाइन टाइप वो उसमें भी यही यूज़ करते हैं ऑन दी अदर हैंड इज हाउ एवर एनालॉग इन मोस्ट केसेस ओके कुछ केसेस में एनालॉग भी यूज करते हैं द एनालॉग सिग्नल फ्राम दब्सक्राइबर इज कन्वर्टेड टू डिजिटल एट दी लोकल एक्सचेंज इन ऑर्डर टू स्विच एंड ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर डिजिटल लाइन मतलब भले हम एनालॉग बीच में यूज भी कर रहे तो भी हम उसको बाद में फिर डिजिटल में ही कन्वर्ट करते हैं एट द रिसीविंग एंड द डिजिटल सिग्नल इज़ री कन्वर्टेड टू एनालॉग उसके बाद रिसीविंग एंड पे अगेन वो डिजिटल सिग्नल रहता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो वॉइस सिग्नल है ना वॉइस ऑडियो रहता है ना इसलिए दैट इट मे ट्रेवल ओवर द एनालॉग सब्सक्राइबर लू टू द रिसीविंग टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट ओके तो वही है टेलीफोन से कैसा है एक्चुअली वो एनालॉग को फिर डिजिटल करके फिर उसका एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है वो सब बताए देख सकते हैं मॉड्यूलेशन hmm, का हमने देखा था देखो क्या है इट इज़ आयरॉनिक दैट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम कंप्यूटर आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू एनालॉग मतलब पहले डिजिटल सिग्नल जो है कंप्यूटर में से उसको पहले एनालॉग में कन्वर्ट करते, okay? करते हैं मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में इन ऑर्डर दैट दे में ट्रैवल ओवर द एनालॉग सब्सक्राइबर लूप ओके एनालॉग सब्सक्राइबर लूप में वो ट्रैवल करता है उसके बाद उसे वापस उसको रिकन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में सो दैट दे मे ट्रैवल ओवर अ डिजिटल ट्रंक सर्किट इसलिए वो डिजिटल ट्रंक सर्किट में वो एक्चुअली ट्रैवल कर सकता है फाइनल द एंटायर प्रोसेस इज रिवर्स एट द रिसीवर एंड मतलब वापस उसे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया जाता है ठीक है रिसीवर एंड पे रिवर्स प्रोसेस किया जाता है सो so, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है पल्स एमटीड मॉड्यूलेशन पल्स पी पोजिशन मॉड्यूलेशन एंड पल्स विथ मॉड्यूलेशन आर थ्री वेरी सिमिलर टेक्निक्स यूज फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन फॉर ट्रांसमिटिंग एंड एनालॉग सिग्नल ओवर डिजिटल चैनल मतलब डिजिटल चैनल पर हमें एनालॉग्स सिग्नल को भेजने के लिए पहले उसको एनालॉग्स से डिजिटल में लाना होगा एंड रिकन्वर्जन बैक टू एनालॉग सिग्नल बाई द रिसीवर रिसीवर एंड पे वो वापस रिकन्वर्ट किया जाता है ठीक है और निवाइंस नोन एज कोड एक कोड डिकोडर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड लेटर रिकनवर्ट देम बैक इन टू द एनोलॉग सिग्नल ओके तो ऐसा एक डिवाइस है कोडिक करके या फिर कोडेड डी कोडर बोलते उसको तो वो एक्चुअली वही काम करता है कि सिग्नल को एनोलॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड देन अगेन उसको एनोलॉग सिग्नल में लेके आता है ओके okay? तो यहाँ पे दिया है देखो है टिपिकल सिग्नल ऐसे रहेगा हमारा तो वो टाइम पर देखो है पल्स एम्प्रो मॉड्यशन पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूशन मतलब विथ मॉड्यूलेशन पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन ऐसा दिखा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन इस तरह से दिखाया गया कि okay, तो इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे ओके okay? तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्येशन क्या चीज रहती है ओके okay, वो पहले देखते हैं देखो तो ये फर्स्ट स्टेप है पल्स एम्प्रीड मॉड्यूलेशन का वो है फिल्टरिंग पहले तो फिल्टर किया जाता है उसको फिल्टर क्या करता है रिमूव ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द एनालॉग सिग्नल दैट आर नॉट बी ट्रांसमिटेड मतलब जो फ्रीक्वेंसीज हमें ट्रांसमिट नहीं करनी है उसको पहले वो बाहर निकाल देता है ओके okay?

तो सैंपलिंग में क्या करते हैं कि एनालॉग जो लेवल्स है उसके उसको पहले सैम्पल किया जाता है ओके पर्टिकुलर इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए मतलब ऐसा टेन सेकंड ट्वेंटी सेकंड थर्टी सेकंड ऐसा वो ऐसा उसको सैंपल किया जाता है कि इतने टाइम पे उसका क्या लेवल है ओके एनालॉग सिग्नल का कैरियर का ओके okay? वो देखा जाता है द सैंपलिंग इज डन एट वॉट इज नोन एज निकी स्ट्रेट तो सैंपलिंग एक निकी स्ट्रेट पर किया जाता है निकी स्ट्रेट एक्चुअली में क्या रहता है तो एक कहते हैं डबल रहता है फ्रिक्वेंसी का एट द निकी स्ट्रेट द सैम्पलिंग इज डन एट ट्वाइस द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी दैट इज प्रेजेंट इन द सिग्नल द सिग्नल में जो हाएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसका डबल ओके वो उसे ही बोला जाता है एक्चुअली निकी स्ट्रेट तो निकी स्ट्रेट पर ही एक्चुअली सैम्पलिंग किया जाता है द रिप्रोड्यूस्ड सिग्नल विल नॉट बी डिस्टॉर्टेड वेन द सैंपलिंग इज डन एट निकी स्ट्रेट मतलब जो रिप्रोड्यूस जो आप सिग्नल करेंगे वो कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा अगर हम निकी स्ट रेट पर करेंगे काम करेंगे इफ़ द सिग्नल इज इन द रेंज जीरो टू फोर थाउजेंड हर्ड्स तो मतलब जीरो टू फोर थाउजेंड हर्ट के रेंज पे अगर सिग्नल है मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी चार हज़ार हो गए ओके तो वो टाइम पे हमारा जो सैम्पलिंग होगा वो कितना होगा हमें डबल करना है उसका चार हजार का कितना आठ हजार हो जाएगा लेकिन टाइमिंग में तो कितना हो जाएगा वो एट थाउजेंड टाइम्स अ सेकंड मतलब एक सेकंड का एट थाउजेंड एट थाउजेंड जो टाइम्स रहेगा ओके उसने रेट पे उसको सैम्पलिंग करना पड़ेगा हमें ओके क्योंकि हम जो अभी वेव्स बनाएंगे वेव्स बनाएंगे तो उसमें क्या रहेगा यहाँ पे जो एक्स एक्सिस रहेगा वहाँ पे तो टाइमिंग रहेगा और यहाँ पे जो रहेगा वोल्टेज रहेगा मतलब एम्पलीट्यूड रहेगा तो हमें एट थाउजेंड टाइम्स एक सेकंड का एट थाउजेंड टाइम्स ओके ऐसे रेट पे हमें उसको सैम्पल करना पड़ेगा पहले ओके वो चीज़ समझ लो क्योंकि सैम्पलिंग का प्रोसेस आपको आगे नहीं बताया चलेगा सी भी पल्स सैम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फर्स्ट है इसलिए इसमें आप सैम्पलिंग बता रहेगी कि प्रोसेस कैसे है अभी क्या है फॉर इज सैम्पलिंग अ डिजिटल सिग्नल इज सेंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैगनीटूड ऑफ द मैसेज सिग्नल तो हम डिजिटल सिग्नल भेजते हैं हर एक सैम्पलिंग के लिए ओके okay? वो मैसेज सिग्नल के साथ मैगनीट्यूड उसके मैगनीट्यूड है मैसेज सिग्नल का उसके साथ वो प्रोपोर्शनल है सपोज दैट अ डिजिटल सिग्नल हैज़ अ हाइट ऑफ टू मिली वोट फ्राम जीरो टू टू मिली वोल्ट मतलब अगर डिजिटल सिग्नल है उसकी हाइट आप कंसिडर करो टू मिली वोल्ट की है. मतलब यहाँ पे जीरो है वन है यहाँ पे टू है तो ये डिजिटल सिग्नल की हाइट हो गई ऊपर की द एनालॉग सिग्नल वेरीज फ्रॉम माइनस एट मिलीवोल्ट टू प्लस एट मिलीवोल्ट इन ए रेंज ऑफ सिक्सटीन मिली वोल्ट ओके मतलब जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या करेगा एट मिलीवोल्ट प्लस एट मिलीवोल्ट और माइनस एट मिलीवोल्ट ये रेंज में वो एक्चुअली करेगा मतलब वो कितना सिक्सटीन मिलीवोल्ट की रेंज में एक्चुअली वेरी होगा इफ द सिग्नल इज सैम्पल एट माइनस फोर मिलीवोल्ट इट इज एट फोर डिवाइड बाय सिक्सटीन इक्वल टू वन फोर्थ द रेंज ऑफ द एनालॉग सिग्नल मतलब जो हमारा सिग्नल रहेगा वो वन फोर्थ रेंज में रहेगा एनालॉग सिग्नल के एंड द आइट ऑफ द डिजिटल सिग्नल विल बी वन फोरथ वन बाय फोर इंटू टू मतलब पॉइंट फाइव मिली वोल्ट हाइट रहेगा इफ द सिग्नल इज सैम्पल एट फोर मिली वोल्ट इट इज़ एट कितना हुआ ट्वेल्व बाय सिक्सटीन कर दिया अभी ओके क्योंकि फोर मिली वोल्ट का है ओके okay? तो इसके वजह से कितना हो जाएगा थ्री बाय फोर्थ द रेंज ऑफ द एनालॉग सिग्नल एनोलॉग सिग्नल जितना रेंज है उसका थ्री बाय फोर देगा एंड द हाइट ऑफ द डिजिटल सिग्नल विल बी थ्री बाई फोर इंटू टू इक्वल टू वन पॉइंट फाइव मिलीवीट ओके तो इस तरह से ये कैलकुलेटेड पोर्शन बताएं तो अब हम वैल्यूज इसके कुछ कैसे भी वेरी कर सकते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ओके बट बेटर जो अगर हमें चाहिए तो इस कैलकुलेशन से अगर हम देखेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं उसमें ओके okay? सैम्पलिंग करने के टाइम पर मतलब जो ग्राफ मिलेगा वो बेटर अगर हमें अच्छे से अगर उसको स्टडी करना है अच्छे से देखना है तो हमें ये कैलकुलेशन में उसमें एक्चुअली यूज़ करने पड़ेंगे तो यहाँ पे जो मेन थेरोटिकल पार्ट है वो मैं बताता हूँ ठीक है तो इसमें देखो तो कैरियर जो है कैरियर कैरियर पर्सेज स्ट्रेन यूज फॉर मेडिशन तो ये कैरियर है कैरियर यहाँ पर डिजिटल कैरियर है ओके हाँ एनालॉग नहीं है तो कैरियर ये और जो हमारा सिग्नल आ रहा है वो एक्चुअली एनालॉग है ओके तो हमें क्या करना है अभी इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे मतलब एक्चुअली मॉड्यूलेशन होगा इसका मॉड्यूलेशन तो टाइम पे क्या हो जाएगा इसके जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगी एम्पलीट्यूड तो चेंज कैसे होगी जैसे इधर हायर है उसी तरह से इसका देखो एम्पलीट्यूड चेंज होते गए ओके okay? पर्टिकुलर और जो हमने कैलकुलेशन बताया ना वो सैम्पलिंग किया था वो सब और पर्टिकुलर देखो पर, दोनों सबके बीच में डिस्टेंस सेम है तो वो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हुआ था ओके okay? तो हायर के लिए हायर है लोअर के देखो यहाँ पे लोअर साइड में एम्प्लीट्यूड चेंज हुआ है ओके जैसे एम्प्लीटूड चेंज होते रहे तो इसको इसलिए बोला गया है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ओके अभी देखो और एक है इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द हाइट ऑफ द पल्स वेरीज बट इट्स विर्थ भी देखो विर्थ हमने देखा सबके बीच में सेम ही है एंड इट्स स्टार्टिंग पोजिशन आर केप्ड कॉन्स्टेंट मतलब दो स्टार्टिंग पोजिशन भी कॉन्स्टेंट है और यही चीज़ जब हम देखेंगे पी डब्ल्यू एम और पी पी एम उसमें कॉन्सटेंट नहीं होती द क्लॉक्स एट दी ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर आर सिंक्रनाइज सच दैट फुल विड्थ ऑफ द सिग्नल इज डिटेक्टेड बाई द रिसीवर ओके तो जब क्लॉक्स है ट्रांसमीटर के एंड रिसीवर वो सिंकरनाइज है यहाँ पे ओके सच दैट फुल विड्स ऑफ द सिग्नल इज डिटेक्टेड बाई द रिसीवर ओके देर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज इन पी 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 एम ओके पी एम में दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स रहेगी तो वो कौन सी कौन सी है फ्लैट टॉप पी एम एंड नेचुरल टॉप पी एम ओके तो देखो हमने जो पहला देखा ये नेचुरल है ओके okay. इसका क्योंकि देखो यहाँ पे कर्व जैसा पार्ट आ गया है ना इसके ऊपर जो यहाँ पे जो शेपिंग हो रहा है वो कर्व जैसा हो रहा है तो इसलिए इसको नेचुरल बोला जाता है और वही अगर हम दूसरा फ्लैट टॉप देखेंगे तो उसके जो टॉप्स रहेंगे ना उसमें ऐसा ये नहीं रहेगा पूरा ऐसा सीधा जैसा रहेगा फ्लैट रहेगा ऊपर का के पोर्शन फ्लैट टॉप जो हम पी देखेंगे उसमें द पल्स एम्पलीट्यूड ओवर द वि पल्स इज कॉन्स्टेंट ओके तो वहाँ पे जो फ्लैट टॉप में क्या होगा कि जो पल्स एम्पलीट्यूड है वो उसके विर्थ में पूरा कॉन्स्टेंट ही रहेगा एंड हैज दें वैल्यू एज इट एट द बिगिनिंग ऑफ द पल्स ओके जो पल्स अपेयर्स एज अ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल जैसा वो पल्स हमें दिखेगा नेचुरल पी एम में क्या होगा द पल्स एम्पीट्यूड वेरीज अलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स ओके पल्स एम्प्लीट्य वेरी होते रहता है जैसे जैसे उसका ड्यूरेशन चेंज होगा एंड इज डायरेक्टली प्रोपोशनल टू द सिग्नल एम्पलीट्यूड ओके सिग्नल एम्पलीटूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द पल्स हैज़ अ राउंडेड टॉप तो ये यहाँ पे देखो क्या है कि पी एम है नेचुरल वाला उसमें राउंडेड टॉप रहता है पल्स और जो फ्लैट फ्लैट पी एम था उसमें कैसा हुआ रेक्टेंगल हुआ फ्लैट टॉप पी एम में रेक्टेंगल टाइप हो रहेगा पल्स तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल सिग्नल लिखा है ये हमारा कैरियर है तो देखो ये नेचुरल पी में देखो ये पूरा ऐसा रहेगा ओके okay? उसके साथ एकदम कंटिन्यूस और जो फ्लैट टॉप में देखो ये ऐसा फ्लैट दिखेगा पूरा इसका जो टॉप है वो ऐसा फ्लैट रहेगा पूरा ओके okay? इसको बोला था फ्लैट टॉप पीएम नेक्स्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन तो इसमें क्या होगा सिर्फ पोजीशन चेंज होगी ओके okay? यहाँ पे इन पी पी एम द फिल्टरिंग एंड सैंपलिंग इज डन मतलब जो मैंने बताया था फिल्टरिंग का प्रोसेस सैम्पलिंग का प्रोसेस बैंड वार्स फिल्टर से भी देखा जाता है ओके okay? वो सब यहाँ पे होगा जैसे ही पी एमएम हुआ है वैसे पी में द सैम्पल वैल्यू इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेंज ऑफ द एनालॉग सिग्नल वेव तो जो सैंपल वैल्यू है वो वहाँ पे फ्रैक्शन टोटल रेंज का फ्रैक्शन जो है एनालॉग सिग्नल का वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ऑल द डिजिटल पल्स इन पी पी एम आर ऑफ द सेम हाइट पी पी एम में जितने भी पल्स थे वो सब सेम हाइट के रहेंगे और जो विड है बट आर डिसप्लेसड इन टाइम ओके बट उसके टाइम वहाँ पे डिसप्लेस होते जाएगा मतलब तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएगी यहाँ पे ओके मतलब सेम हाइट का रहेगा सेम विध के यहाँ पे हमें दिखने वाले ओके पोर्शंस बट वो पोजीशन चेंज करते जाते हैं इसलिए उसको पोजिशन मॉड्यूलेशन बोला है ना पल्स पोजिशन मॉड्यून इसलिए बोला गया फ्रॉम देयर बेस पोजिशन अकॉर्डिंग टू द सैम्पल वैल्यू एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग टैंपलिंग के टाइम पे वो वहाँ पे अपने पोजीशन चेंज करते जाते ओके सपोज अ डिजिटल पल्स इज सैंपल एट एट थाउजेंड टाइम्स अ सेकंड तो यहाँ पे भी उतना ही हुआ है सैंपल कितने में किया है एट थाउजेंड टाइम्स पर सेकंड टाइम्स अ सेकंड ऐसा वो सैंपलिंग क्या है बिगनिंग ऑफ ईच पल्स तो इज वन बाई एट हंड्रेड एट थाउजेंड अगर हम करते तो टाइमिंग हमें मिलता है वन ट्वेंटी फाइव माइक्रो सेकंड मतलब स्टार्टिंग में टाइम वन ट्वेंटी फाइव माइक्रोसेकंड का रहेगा और जैसे ही नेक्स्ट सैंपल जो होगा वो उसमें क्या करेंगे वन ट्वेंटी फाइव एड ऐड होते जाएगा ओके लेटर पल्स भी सिक्सटी टू पॉइंट फाइव माइक्रोसेकंड वाइड और पल्स की जो विड्थ है वो भी इतनी रहेगी ओके और विड्थ मैंने अभी माइक्रो माइक्रोसेकंड में क्यों दिया है क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या रहेगा टाइम रहेगा टाइम एक्सिस है हो ना तो जो विड्थ हम बताएंगे वो यहाँ पे विड्थ बताएंगे ओके इसलिए उसको मैं माइक्रो सेकंड में दिया हुआ है सो टाइम पीरियड्स ऑफ सक्सेसिव पल्सेस आर फ्रॉम जीरो टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव माइक्रोसेकंड ओके तो अभी धीरे धीरे कैसा होगा वन ट्वेंटी फाइव है तो उसमें अगर हम और ऐड कर दिए जाएंगे ओके वन एटी सेवन पॉइंट फाइव उसमें उसमें बन गया ओके सेम अगर टू फिफ्टी माइनस हम माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे देखो टू फिफ्टी देखो पहला क्या है वन ट्वेंटी फाइव से वन ट्वेंटी एटी सेवन हो गया देन अगेन टू फिफ्टी से लेके थ्री हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइक्रोसिकन देन अगेन थ्री सेवेंटी फाइव से फोर्थ थर्टी सेवन ओके मतलब ये बीच के ये इंटरवल्स दिए हुए ओके okay. कितने कितने इंटरवल्स हमें सैम्पल करने पड़ेंगे ये इंटरवल्स में एक्चुअल में सैंपलिंग होगा कि यहाँ पे एक्चुअली मतलब वो चेंज होगी अपनी पोजीशन जो चेंज करेगा वो उतने इंटरवल के बीच में ही पोजीशन चेंज होगी द बिगनिंग टाइप्स ऑफ बीच पल्सेस आर और बिगनिंग बिग्नि, टाइम रहेगा वो हर एक पल्स का सिर्फ जीरो वन ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी थ्री सेवेंटी फाइव मतलब हर एक में वन ट्वेंटी फाइव एडेड होते जा रहे इन पी पी एम द बिगिनिंग टाइम्स आर डिलेड अकॉर्डिंग टू द सैम्पल वैल्यू ऑफ द एनोलॉग सिग्नल मतलब ये मेन चीज़ है कि पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन में uh, कैसे होगा जैसे जैसे हमारा जो सिग्नल है वो चेंज होते जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर डिले बढ़ते जाएगा ओके okay? मतलब अगर वो कम कम होते जाएगा तो डिले भी कम होगा ज़्यादा होगा उस तरह से वो चेंज होगा द विड्थ ऑफ द पल्स रिमेन्स द सेम एट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव माइक्रोसेकंड ओके इस माइक्रो सेकंड जो विड्थ है उस विड्थ पे वो फिक्स रहेगा मतलब विड्थ वहाँ यहाँ पर क्या होगी फिक्स रहेगी एंड पल्स वोल्टेज ऑल्सो रिमेंस कॉन्ट्राउंड पल्स वोल्टेज कॉन्स्टेंट मतलब उसकी हाइट कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक okay. है तो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ देखो ये हमारा एनालॉग है ओके ये सिग्नल है एक्चुअली इसको ही हमें डिजिटल में करना है तो देखो यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हम पहले बाद में देखेंगे पहले हम देखते हैं इधर पोजीशन मॉड्यूलेशन में देखते हैं okay. ओके तो देखो ये हमारा एक्चुअली सैम्पल किया हुआ है तो इसका विड्थ देखो कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ सब जगह पे विड्थ सेम है ओके और सैम्पलिंग के लिए जो 125 हमने दिया था ना ये ये 125 का डिस्टेंस में ये एक्चुअली यहाँ पे किया गया है ओके okay? तो ये चेंज कैसे होता है देखो यहाँ पे पहले वेव यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा ओके okay? जैसे ही वेव थोड़ा ऊपर जाएगी ये थोड़ा और क्लोज और फिर नीचे आ गई नीचे आ गई तो वो थोड़ा और आया और जैसे ही और नीचे जाएगी वो दूर दूर चला जाएगा अभी ये दूर जा रहा है वापस हाँ अभी और नीचे जा रहा है मतलब और दूर चल जा रहा है ये लाइन से मतलब लेफ्ट में जा रहा है और जब नीचे एकदम इस लाइन को टच हो गया तो वो तो टाइम पे वो और दूर चला गया मतलब वो ऑलमोस्ट बीच में आ गया अभी देखो यहाँ पे और जैसे ही वो निगेटिव में जा रहा है अभी देखो ये अभी और लेफ्ट में जा रहा है और ये निगेटिव में जा रहा है तो ये और लेफ्ट में आ गया और ये निगेटिव में मतलब यहाँ पर नीचे आ गया तो ये और यहाँ पर लेफ्ट में जा रहा है ओके और एक टाइम पर ये इस लाइन को भी टच कर गया ओके इस तरह से ये एक्चुअली अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन सेम थिंग हम यहाँ पे पल्स वर्थ मॉड्यूलेशन का भी देख सकते हैं देखो इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि एक्चुअली एम्प्रीट्यूड कॉन्स्टेंट है यहाँ पे ओके पोजिशन भी कॉन्स्टेंट है सिर्फ विड चेंज हो रही है तो विड देखो पहले कम है देन वापस कम ही होगी ओके इतना ज़्यादा ज़्यादा चेंज नहीं होगा ओके फिर ना विड बढ़ गई देखो जैसे ही बढ़ गया मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाए तो ये बढ़ गई ओके जैसे ही और कम हो गया डिस्टेंस तो विड्थ कम हो गई और कम हो गया तो फिर विड्थ कम हो गई देन अगेन यहाँ पे ये पॉइंट पे देखो वो और जीरो तक आ गई तो विड्थ वहाँ पे इतना हो गया और जैसे ही वो निगेटिव में गई तो विड्थ और कम हो गई और वो तो ये फिर जब वो ज़्यादा ही कुछ ही हो गया तो इसके बाद ये देखो ऐसे जैसे जैसे विड्थ कम हो रही है वो विड्थ कम होती जा रही है मतलब जैसे जैसे वेव्स नीचे नीचे आ रही है ओके उसकी वैल्यू एमब्रूड की वैल्यू कम कम हो रही है विड्थ भी कम कम हो रही वो विड्थ मॉड्युलेशन का है वो आगे देखते हैं हम ठीक है पल्स विथ मॉड्युलेशन देखो यहाँ पे पल्स विथ मॉड्युलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्स ड्यूरेशन मॉड्युलेशन इसको पल्स ड्यूरेशन भी बोला जाता है ओके इन पल्स विथ मॉड्यूलेशन वहाँ पे भी फिल्टरिंग सैम्पलिंग वो सब चीज़ें जैसे पी एम में हुआ था वैसे किया जाता है सैम्पल वैल्यू इज देन एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेंज ऑफ एनालॉग वेव हमने बताया तो वैसा ही है ठीक है देन द विड्थ ऑफ द कैरियर पल्स इज वेरिड एंड इज डायरेक्टली पोर्शनल टू द सैपल वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल मतलब यहाँ पर विद थे वो वेरी होगा जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल चेंज होगा द एप्प्लीटूड इज कॉन्स्टली एंड द पोजिशन एम्प्लीट्यूड इज कॉन्सटेंट एंड द पोजिशन ऑफ दी प्लस आर कॉन्स्टेंट मतलब पोजिशन भी कॉन्स्टेंट है एम्पलीट्यूड भी कॉन्स्टेंट है बस विद यहाँ पे वेरी है तो विथ वैरी होने के लिए भी यहाँ पे तीन तीन टाइप्स है कैसे कैसे देखो पल्स विथ कैन भी वेरिड इन थ्री वेज तो पहले तो बाई कीपिंग द पल्स लीडिंग एज कॉन्स्टेंट एंड वेरिंग द ट्रेलिंग एज लीडिंग एज कॉन्स्टेंट मतलब जहाँ से पल्स स्टार्ट हो रही है ना उसका जो पहला वाला जो पार्ट है इसको लीडिंग एज बोला जाता है ओके okay? और हम ऐसा कर सकते हैं कि लीडिंग एज को कांस्टेंट रखेंगे मतलब लीडिंग एज यहाँ पे रहेगा बस ये पीछे वाला पार्ट इसका चेंज होते जाएगा कभी ये ऐसा कट 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 होते जाएगा ओके okay? इस तरह से और देन नेक्स्ट क्या है बाय कीपिंग द पल्स ट्रेलिंग एज कांस्टेंट मतलब ऐसा भी कर सकते हैं हम जो है आगे का है ना उसको वैरी करते जाएंगे और ये वाला है जो उसी को बोला जाता है ट्रेलिंग एज ओके ये पीछे का जो पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रेलिंग एज तो ये कॉन्सटेंट रखिए आगे वाला सिर्फ चेंज करेंगे वैसे भी कह सकते हैं या बाई कीपिंग द पल्स मिड पॉइंट कॉन्स्टेंट मतलब ऐसा कर सकते हैं कि पल्स जो है पूरा ऐसा डिजिटल पल्स तो इसका मिड पॉइंट हम कॉन्स्टेंट रखेंगे दोनों साइड से हम चेंज करते जाएंगे यहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे भी चेंज होगा ठीक है ना ऐसा भी कर सकते हैं ओके इन पी डब्ब्ल्यू एम द हाइट ऑफ द पल्स इज कॉन्स्टेंट बट द विथ वेरीज मतलब यहाँ पे हाइट में कोई चेंज नहीं होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा सिर्फ विथ वेरी होगी तो देखो यहाँ पे बताया गया ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये हमारा सैम्पलिंग के पल्सेस है ओके ये इसका भी सेम रहेगा ओके अभी क्या है लीडिंग एज कॉन्सटेंट हमने यहाँ पर लीडिंग एज कॉन्स्टेंट रखा है मतलब सामने वाली जो साइड है ये हमने कॉन्स्टेंट रखी है सिर्फ अभी दूसरा जो राइट right साइड है वो खाली चेंज होगा ओके तो पहले क्या हुआ देखो सैंपल किया हुआ है यहाँ पे ये यह लेवल पे तो ये क्या होगा वहाँ पे तो कम ही है तो इतना हो गया उसका विड्थ और जैसे ही वो बढ़ गया देखो अभी ऊपर चला गया है यहाँ पे बढ़ गया है ना ओके जैसे ही सिग्नल तो यहाँ पे क्या होगा विड्थ भी, भी बढ़ा देंगे हम देन अगेन वो कम हो गया कम हो गया, हो गया तो यहाँ पे क्या यहाँ पर भी विड्थ कम हो गई है और जैसे ही वो और कम हो गई तो यहाँ पर भी इसका विड्थ कम हो गया तो विड्थ कम हो गया मतलब क्या हो गया पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसीलिए बोला जाता है इसको ठीक है ना और यहाँ पे भी देखो पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन का यहाँ पे भी एग्जाम्पल है ठीक okay? है कि पोजिशन चेंज होती जा रहे हैं वैसे वैसे सो दिस इज ऑल नेक्स्ट देखते हैं और एक टाइप है पल्स कोड मॉड्यूलेशन तो एक कोड मॉड्यूलेशन मतलब क्या है कोडिंग के फॉर्म में करता है कोडिंग के फॉर्म में करता है मतलब क्या है? जो हमारे डिजिटल कोड्स रहते हैं ओके बाइनरी बिट्स ओके उस टाइप में उसको कन्वर्ट करते हैं सो पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ पी सी एम उसको पी सी एम बोलाता है इन पी सी एम द फिल्टरिंग एंड सैम्पलिंग एट द निकिस्ट रेट मतलब जैसा पी एम में हमने किया था वैसे ही निकिस्ट रेट पर वो होगा सैम्पलिंग जैसी चीज़ देयर आफ्टर ईच ऑफ़ दैम्पल वोल्टेज लेवल्स इज़ कन्वर्टेड टू आइदर सेवन बीट और एट बीट बाइनरी इसके बाद क्या करेंगे जो वोल्टेज लेवल्स हैं उनको हम सेवन बीट या एट बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे सेवन बीट बाइनरी अगर होगा तो वहाँ पर वन एटी एट ट्वेंटी एट कॉम्बिनेशन बनेंगे जीरो एंड वन के और अगर एट बिट रहेगा तो वहाँ पर वन ट्वेंटी एट वोल्टेज लेवल्स ओके और अगर सेवन बिट रहेगा तो वन ट्वेंटी एट कॉम्बिनेशन बनेंगे जीरो और वन के और वन ट्वेंटी एट वोल्टेज लेवल्स भी रहेंगे उसके हिसाब से ओके okay. सिमिलरली अगर एट बिट बाइनरी रहेंगे तो टू फिफ्टी सिक्स वोल्टेज लेवल्स रहेंगे वहाँ पर कैन बी स्टोर्ड द वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग टू द वन ट्वेंटी एट और टू फिफ्टी सिक्स वोल्टेज लेवल्स आर प्री डिटरमाइंड बाई दिस सिस्टम ओके जो वैल्यूज रहेंगी वो सिस्टम में प्री डिटरमाइंड ही रहेंगी the सैम्पल voltage levels usually will not exactly match any one of the predetermined levels okay usually वो मैच नहीं करता द थर्ड स्टेप इज क्वान्टजिंग तो फिर हम क्या करेंगे जो वोल्टेज लेवल रहेगा उसको मैच कैसे करवाएंगे तो उसके आसपास पास की कोई भी वैल्यू रहेगी मेजर्ड वैल्यू तो वो हम राउंड ऑफ करेंगे दैट तो उससे वो क्वान्टाइजिंग बढ़ा जाएगा तो ये क्वांटाइजिंग की प्रोसेस वहाँ पे होगी वेयर द मेजर्ड वोल्टेज लेवल इज राउंड ऑफ राउंड ऑफ किया जाएगा वहाँ पे मतलब अगर वन है और हमारे पास वन अगर सेवन है और हमारे पास वन है उसके बाद टू है तो टू पे उसको राउंड ऑफ कर देगा ओके okay, चीज़ है प्री प्रीडिटरमेंट लेवल ओके द लास्ट स्टेप एनकोडिंग यहाँ पे क्या करेंगे एनकोडिंग एनकोडिंग मतलब उस कोडिंग को एक्चुअली स्टडी करना असाइन से सेवन और एट बीट बाइनरी स्टार्ट स्ट्रिंग और जीरोज एंड वंस टू द कोलिस्ट क्वालटाइज्ड लेवल ओके द डाइजेस्टेड बीट द डिजिटाइज बीट ओके स्ट्रिंग इज नाउ ट्रांसमिटेड ओवर द ट्रांसमिशन लाइन तो ये जो डिजिटाइज जो बीट है उसे हम ट्रांसमिशन लाइन पे जो ट्रांसमिट करेंगे द एंटायर प्रोसेस यहाँ पे जो है फिल्टरिंग सैम्पलिंग क्वानटाइजिंग हो जाएगा एंड एन कोडिंग यहाँ पर करना है सेवन बीट या फिर एट बीट एसकाई कोड में ओके okay? और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन तो यहाँ पे हम इसी इसका इंट्रो है ओके okay? हम इसको पूरा डिटेल में नहीं देख रहे हम सिर्फ अभी देखेंगे कि ये एक्चुअली दिखता कैसा है इसका पैटर्न कैसे आता है ओके okay? वो चीज़ें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हमारा जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो ऐसा रहेगा ओके okay? ऐसा एनालॉग फॉर्म में ओके कैरियर का और अभी क्या करेंगे हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे मॉडल करेंगे तो इसको देखो हम पहला यहाँ पे मॉडल इसको इस लेवल पे फिर ये लेवल पे ये लेवल पे ऐसा हर एक लेवल के लिए इसके अलग अलग हम डिस्टेंस पे इसको लेवल्स परेंगे ओके okay? और जहाँ जहाँ हमें बनेगा तो वहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर जो बनेगा हमारे वोल्टेज लेवल्स होंगे वहाँ पे हम उसको डॉट करेंगे वहाँ पे हम एक एक पॉइंट वहाँ पे हम बना देंगे और उसके हिसाब से हमारा व्यू बन जाएगा और एक कोडेड फॉर्म में ये व्यू बनेगा ओके okay? मतलब इसका हर एक पॉइंट है ना वो कुछ ना कुछ कोड दे रहा है हमें जैसे ही देखो ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट अगर कंसिडर करें तो उसका कितना कोड है, है देखो यहाँ पे वन 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 जीरो देन जीरो 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 फिर इसको हम इनकोड करेंगे तो इनकोड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि इसका वैल्यू एक्चुअली कितना है कितना वोल्टेज इसमें एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है सेम थिंग इसके लिए भी होगा इसके लिए भी होगा इसके लिए भी, भी होगा तो okay, ये कोडेड फॉर्म में एक्चुअली हो रहा है ओके okay? फिर ये कोडेड फॉर्म को हम सेंड करेंगे और फिर वो रिसीवर एंड पे उसको एनकोड किया जाएगा ओके okay? तो यही चीज होगी सो दिस इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन ओके सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स ओके हाँ सो Uh, thank you very much.